अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग चेन्नई के महाबलीपुरम सीशोर पास आ चुके हैं। यह सीशोर काफी साफ सुथरा है, मेरीना बीच की तुलना में स्वच्छ है। यहाँ के बालू वगैरह भी साफ सुथरे हैं और बीच में जो है बहुत सारे रॉक हैं। यदि भी ये लंबे लंबे बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जो है स्नान का आनंद ले रहे हैं। पानी की गहराई देखिए, वो जस्ट आप पत्थर के पास देख सकते हैं, बच्चे लोग खड़े हैं, कोई ज्यादा है नहीं, लेकिन वेव जो है उनको पानी का वेव जो इनको किनारे की ओर ठेलता है और फिर वो आने वाला पत्थर जो है फिर उन्हें पीछे की ओर ले जा सकता है। और इस तरह से यहाँ का एक मनोरम झांकी देखिए, ये समुद्र इलाका महाबलीपुरम। महाबलीपुरम का जो है एक खास अलौकिक अभी जो सच्चाई जो सामने आई है, यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग जी भी यहाँ पर झूला पर झूले थे। यही महाबलीपुरम का क्षेत्र है जहाँ पर उन्होंने समुद्र का आनंद भी लिया था और बहुत सी राजनीतिक बातों पर उन लोगों ने अपने गुफ्तगू किया था। ये महाबलीपुरम सी बीच है, बहुत ही अनूठा अद्भुत, कितना साफ सुथरा और कितना भीड़ भरा, दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ आनंद उठा करके अपने आप को जो है काफी अच्छा अनुभव करते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र जो है काफी सुंदर है, आकर्षक है। और लहरों का तो खैर कहना ही नहीं, लहरें आती हैं और लहरें जाती हैं और लोगों के अंदर जो है ठंडापन का एहसास दे करके उनके मन को काफी आकर्षण प्रदान करती है। वो देखिए, वो पत्थर का भाग जहाँ पर बहुत सारे बच्चे पत्थर के भाग पर खड़े हैं और नजदीक से जो है सीशोर का आनंद ले रहे हैं। रियली इट वॉज ए वेरी एडवेंचर। चेन्नई अपने आप में स्वर्गिक जगह है, तमिलनाडु को जो है प्रकृति ने बहुत ही खूबसूरती प्रदान की है, जिसमें समुद्र के किनारे होने के नाते अन्य भी जगहों पर समुद्र है, लेकिन इस जगह की समुद्र की बात ही कुछ और है, क्योंकि ये सब जितना भी यहाँ का पानी है साफ स्वच्छ और सुंदर है। बहुत सारे टूरिस्ट फॉरनर से यहाँ आते हैं और यहाँ का आनंद लेते हैं। व्यूअर्स, आप सभी से अगर मौका मिले तो महाबलीपुरम चेन्नई से मात्र जो है 60 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ आकर के आप यहाँ का आनंद ले सकते हैं। और ये देखिए, आप घोड़े पर घोड़सवारी के लिए भी